जलालाबाद उपचुनाव को लेकर प्रचार लगातार तेज होता जा रहा है। कांग्रेस के उम्मीदवार रमिंदर आंवला के पक्ष में आज सुनाम से हल्का इंचार्ज दमन बाजवा गांव माहूवाना बोदला पहुंची। इनके द्वारा यहां पर पहुंचकर कार्यकर्ताओं की एक बैठक आयोजित की गई। आपको लाइव कवरेज दिखा रहा हूं, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा चैनल। सब तो पहला था सारे जने तुसी एने लंबे समय तो बैठे हो, तुहाडा जोश जमा ही ढिला हो गया। पकौड़े खा के मैं लगता नींद आ गई है ना। सरपंच साहब एक तो चाह का माड़ा जहा दोबारा परती है, एक एक बार फिर थोड़ी जी पिए ते ना जोश आऊगा। फतेह अर्ज करन जा रही हाँ, गज के फतेह दे नाल सांस पायो ताकि पता लगे कि हले भी जोश अंदर हैगा। श्री वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद सारे दा। मैं थोड़ा जा तो अपने बारे दसना चाहूंगी क्योंकि 21 तरीक तक तो मेरे नाल ही वाह पैना है। ते मेरी इतने ड्यूटी लगी है ना 8 पिंडा च, ते तुसी मैनू ही इतने घूमते फिरते पाओगे। इस करके बेहतर है कि तुसी चंगी तरह मेरे नाल वाकफियत अपनी हो जाए। तुसी जान लो मेरा नाम जी दामन बाजवा है, सुनाम हल्का है जी संगरूर जिले विच। उतों मैं चोन लड़ी सी, MLA की चोन लड़ी सी। 27 साल की उम्र च मैनू पार्टी ने टिकट दे के नवाजिया सीगा, ते कुछ वोटा से चोन हार गई, MLA नहीं बन सके। पर परमात्मा की बहुत कृपा हुई है कि कांग्रेस की सरकार है ते हल्के की नुमाइंदगी कर रहे हैं और जिन्हें जोगे है हल्के के लोगों। पंजाब यूथ कांग्रेस की सूबे की मीत प्रधान भी हाँ, वोटा लैके बनी सी, दया नाल या किसी की कृपा नाल नहीं सी बनी, अपने दम से बने सके। पार्टी की ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन भी हाँ, ते उस तो पहला जेड़ी विद्यार्थियों की जथेबंदी है जिथों मैं अपना सियासी सफर शुरू किया, उसकी सूबे की प्रधान बनी सी, जिन्होंने NSUI कहें, उसकी पंजाब प्रधान बनी सी। ते अज मैनू बड़ी खुशी है कि मेरे तो बाद अज मेरा छोटा भरा अक्षय शर्मा जी अज इस सूबे की प्रधानगी कर रहे हैं, ते परमात्मा इन्हों भी पार्टी विच ते सियासी इन्हों के सफर विच बुलंदियां ते लेके जाए। मंच से विराजमान सारे ही मेरे बुजुर्ग सरपंच साहब, वख वख अहुदेदार साहबान, सारे ही बहुत सत्कारयोग हो, ते सब तो वध सत्कारयोग तुसी सारे हो। मैं एक गल तुहानू दसना चाहूंगी, जो वैसे मेरी उम्र बहुत छोटी है ते सियासी तजर्बा भी अजे हौली हौली असी सीख रहे हैं, कोई क्योंकि किसी लीडर के घर जन्म नहीं लिया ना मेरे।